इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। गंगा मैया पाप हरती हैं, परंतु सरजू मैया पाप का नाश करती। सरजू सरी कली कलुष नासा। सरजू मैया में आप स्नान करो आवश्यक नहीं है। दरस परस मज्जन न पाना हरई पाप कह वेद पुराना। भाई चार है, चार में तीन कर लो तो चौथे की आवश्यकता नहीं। कई लोग नहीं सर जो स्नान करते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। धर्म ना हो, हमारे ठाकुर जी गाते हैं, ए बाबू गई बहो गबा मन बन जा व्यापारी। हमारे सदै ठाकुर जी बाबू जी का उत्सव है, यदि ठाकुर जी होते तो अवश्य आते। प्रातः स्मरणी कुछ गायत्री ठाकुर जी, आहा क्या बात है। मन बन व्यापारी राम नाम के, मन बन व्यापारी राम नाम के, राम नाम के हो, राम नाम के हो, राम नाम के हो, राम नाम के हो, राम नाम के। मन बन व्यापारी राम सुवा संतोष के सुतारी, सत के सुवा संतोष के सुतारी, हाँ सत के सुवा संतोष के सुतारी, सत के सुवा संतोष के सुतारी, ए धर्म तरजुई दया के दुकानदारी। राम नाम के मन बन व्यापारी, धर्म तरजुई दया के दुकानदारी। राम नाम के हाँ, धर्म तरजुई दया के दुकानदारी। राम नाम के मन बन व्यापारी, राम नाम के मन बन व्यापारी, राम मन बन व्यापारी। कीरत भरित भूत भल सोई, ये भनित है। हाँ भाई जी, एक और नया हाथ आया, प्रणाम है आपके। किसी ने चिट्ठी लिख के मांगी है हमको, वो कैसेट भेज दीजिए। भाई जी का हाथ राम कथा के साथ 83,000 की बिक चुकी है बाबू। बात रुपए की नहीं है, बात मोल की है। कहो डियर, और क्या क्या बात है। भाई जी का हाथ राम कथा के साथ, जितनी बार ताल गाते हैं उतनी बार के राग में भाई जी ताल बदल लेते हैं। भाई अद्भुत हैं साहब, क्या बात है। अरे हैं तो बहुतों ले अद्भुत, कुछ कुछ धरा गए हैं, कुछ हेराए गए। हाँ तो माय बाप श्री अवध कैसा, जैसा हम लोग देखते हैं। अवध अद्भुत है हो, अवध की अपनी एक संस्कृति है। माँ कौशल्या श्री चक्रवर्ती जी महाराज, माँ कौशल्या को पूर्व दिशा गोस्वामी जी कहते हैं, जिनके अंक में सूर्य स्वरूप भगवान श्री रघुनाथ जी प्रकट भए। देखिए उस माँ की कोख धन्य है, जिसकी कोख में कोई भागवत जीव जन्म ले। सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुपनीत। उस कोख का क्या कहें जहां साक्षात भगवान प्रकट हो गए, परम धन्य है। इसलिए बंदौ कौशल्या दिशि प्राची। आज लोग बच्चों को इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं। अरे सब बनाओ छोड़ो, एक भगत बनाओ, तुम्हारा जीवन धन्य होगा। भगत तो बने, ससुर भगत बनत रही है, ठगत बन जाते है। हमारे घर में जो कोई हमारे बच्चों को बनाने आता है तो हम कहते हैं प्रणाम करो अंदर जाओ,
हाँ एक दिन आए थे, लगे राघव जी को बताने, हमने कहा बेटा प्रणाम करो अंदर जाओ, पढ़ने का समय है बच्चों के, जाने दीजिए, न जाने क्या बना दें, बाल मन है उसी में बैठ जाएगा, हम कुछ बनाना नहीं चाहते, गुरु कृपा है जैसे हैं वैसे बने रहें, भगवान अपने आप बना लेंगे, भगत बनो, केवल भगत बनिए कुछ न बनिए, अरे बनोला से क्यों बनता, बाबा बनना की बात तो लो लगा था, और ही गणित लगाओ है हाँ? आज दीक्षित जी सेवा कर रहे थे तो कह रहे थे कि सरकार हमने कहा अयोध्या रुकना है, कहाँ रुके, कहे सरकार वहीं जहाँ बहुत लगाव है, वहीं, हमने कहा अरे वहाँ व्यवस्था अच्छी है, ले लड़ी कोई पूछे थे, मैं आपसे संवाद करूंगा, चक्रवर्ती जी महाराज की क्यों वंदना, जिनके सहज प्रेम से भगवान प्रत्यक्ष हो गए हो, सहज प्रेम, देखिए कोई हमारे प्रति सहज प्रेम करता है तो उस प्रेम का आप आदर करो न करो, निरादर न करो, आदर न करो, उसको बुलाकर उसका सम्मान मत करिए, परंतु अपमान करने का अधिकार आपको नहीं, अपमान किसी का मत करिए, सहजता से प्रेम प्राप्त हो रहा है तो उसको आप भले सम्मानित न करिए परंतु अपमानित न करें, कहीं प्राप्त हो रहा हो न करें, पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं माता पिता किसके है तो भगवान के, जिनको जगत में जन्म देकर जिनकी रचना करके भगवान ब्रह्मा ने भी बड़प्पन प्राप्त किया, ऐसे श्री चक्रवर्ती जी महाराज और माँ कौशल्या जी का हम बार बार वल्लल करते हैं, महिमा अवधि राम पितु माता, जो सम्मान लायक है उसका सम्मान हो, जो आदर लायक हो उसका आदर हो, यदि हम आदर न कर पाए तो कम से कम निरादर न करें, बंदमु अवध भुआ सत्य प्रेम जेहि राम पद बिछुरत दीन दया प्रिय तन त्रिन इव परिहरे। बाबूजी यहाँ एक बार मैया और चक्रवर्ती जी का बंधन हो गया है, विशेष बात का दर्शन करें आप, चक्रवर्ती जी महाराज का दूसरी बार गोस्वामी जी बंधन करते हैं, किस लिए करते हैं, जिनका भगवान के सिर चरणों में सत्य प्रेम है। अरे भाई एक बार कोई बैठा हो आप उसको प्रणाम करिए, और दूसरी बार भी वो उठ करके जाए और लौट के आए फिर प्रणाम करिए, या तो वो समझ नहीं पा रहा है तो आप नहीं समझ पा रहे हैं, पहला प्रणाम तो हो गया है, दूसरा किस बात का प्रणाम है, आप गए और लौट के आए इसका क्या, नहीं, भगवान के पिता हैं इसलिए चक्रवर्ती जी को वंदन किया पूज्यपाद गोस्वामी जी ने, और अब इसलिए वंदन करते हैं कि भगवान के प्रति इनका ही सत्य प्रेम निर्वाह, प्रेम सबका निभता नहीं है, प्रेम सबका नहीं निभाता है, प्रेम सबसे नहीं निभाता है, प्रेम सबके साथ नहीं निभाता है। आदरणीय कुलाचार्य जी, प्रेम सबसे नहीं निभाता है, प्रेम सबके साथ नहीं निभाता है, प्रेम सबका नहीं निभाता है, किसका निभाता है, जो निभाना जानता है उसी का निभाता है, बहुत कठिन है कलयुग में तो बहुत कठिन है, लेकिन चक्रवर्ती जी महाराज ने निभाया, अयोध्या कांड में बाबा कहते हैं जियन मरन फल दशरथ पावा, जियन मरन फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा, अंड अनेक अमल जस
कैसे जियत राम विधु बदन निहारा जियत राम विधु बदन निहारा राम विरह करी मदन सवारा जीने का फल है राम दर्शन राम स्मरण और जाने का फल है राम स्मरण। जीते जी जिस भाव में जिस स्वभाव में स्वरूप में हम आप लगे रहेंगे जाते जाते उसी का स्मरण होगा। इसलिए जो साधक हैं हम आप जगत में भी रहकर जगदीश के स्मरण में रहेंगे तब जाते जाते स्मरण बनेगा और जगत के स्मरण में रहेंगे तो जगत का स्मरण बनेगा, जगदीश का स्मरण कदापि नहीं बनेगा। अंतमति जीवन की गति से ही बनती है, जीवन की गति में मति में जगत भरा है तो जगदीश का स्मरण नहीं आएगा। इसको आदत लगनी चाहिए, किसको जिह्वा को मन को आदत लगे। सत्य प्रेम जहि राम पद, सत्य प्रेम क्या भगवान नहीं तो जीवन नहीं। गए तो गए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।